स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल बेंगोली नमीस। मेरा चैनल बेंगोली नमीस में तुम सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग ठीक हो एंड ठीक से पढ़ाई कर रहे हो। तो मेरा वीडियो ये शुरू करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबा देना ताकि मेरा चैनल का जो नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन पहले तुम्हारे पास आ जाए। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक और दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। अगर वीडियो देख के कुछ भी डाउट्स है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो चलो आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और मेथड, कैसे कैपिटल बजटिंग किया जाता है। इससे पहले का वीडियो में हम बात किए थे जो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले कैसे हमको एनालिसिस करना चाहिए, किस किस स्टेज से हम एनालिसिंग कर मुझे इन्वेस्ट करना है पैसा को। पहले वीडियो में हम बात किए थे स्टेज ऑफ कैपिटल के बारे में, जहाँ स्टेज था जनरेटिंग प्रोजेक्ट प्रपोजल, सेकेंड स्टेज था असाइनमेंट और प्रपोजल, उसके बाद एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग ए प्रोजेक्ट, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, देन आता है फॉलो अप स्टेज एंड फाइनली प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाता है। इस तरह से एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट रूप दिया जाता है। तो आज क्या होगा, आज हम इस प्रोजेक्ट में जब पैसा डाल देंगे तो उस प्रोजेक्ट से कैसे रिटर्न आएगा, जहां से हमको पैसा डाले है उस प्रोजेक्ट से या तो उस इन्वेस्टमेंट से कैसे रिटर्न आएगा, तो रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आज जो बात करेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और मेथड्स, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स और मेथड के बारे में हम बात करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स अडॉप्टिंग फॉर कैपिटल बजटिंग। द ट्रेडिशनल मेथड और नॉन डिस्काउंट मेथड इंक्लूड्स पेबैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। सो द टेक्निक्स, the capital budgeting techniques method are two types, one is traditional method or non-discounting method, one another is discounting method. The non-discounting जो method और traditional जो method है payback period capital budgeting techniques के, उसमें पड़ता है payback period method and accounting rate of return methods. And the discounting cash flow method include NVP method, this net present value method, and second one is profit Profitability method, profitability index, and the third one is IRR, that is internal rate of return method. तो ये होता है हमारा एक प्रोजेक्ट में जो पैसा डाला उसका पेबैक, उसका रिटर्न देने का जो रिटर्न मेजर करने का जो मेथड्स है वो ये होता है। तो आज हम जिसके ऊपर बात करेंगे, आज हम बात करेंगे पेबैक पीरियड मेथड के बारे में। सो द पेबैक पीरियड क्या बोलता है ना, एज द नेम सजेस्टेड, इस यहाँ पे बोला गया है दिस मेथड रेफर्स टू द पीरियड इन व्हिच द प्रपोजल विल जनरेटेड कैश टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेड। इसका मतलब होता है पेबैक पीरियड ये कैलकुलेट करता है हम जब इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पेबैक पीरियड है वो होता है, पकड़ लो हम 1,00,000 रुपया किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किए तो पेबैक पीरियड होता है उसी पीरियड को पेबैक कहते हैं, जहां तक जब उस इनिशियल में इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस पैसा कितना दिन में रिकवरी हो रहा है। मतलब हम 1,00,000 किसी साल इन्वेस्टमेंट किए तो उसके बाद वो जब रिटर्न दे रहा है 20,000 करके पार साल में रिटर्न दे रहा है तो उसका पेबैक कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये 5 साल में 1,00,000 रुपया रिकवर होता, तो वो होता है पेबैक पीरियड। तो इट इज ये क्या बोलते हैं ना, इट प्योरली एम्फसाइज, ये पेबैक पीरियड इज प्योरली एम्फसाइज ऑन द कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो क्या होता है, हम जब प्रोजेक्ट में पैसा डालते हैं तो उसे कहते हैं कैश आउटफ्लो, मतलब हम पैसा दे रहे हैं मतलब वो प्रोजेक्ट में खर्चा में जा रहा है। और कैश इनफ्लो क्या होता है, जब हम खर्चा कर दिए उसके बाद हमको जब रिटर्न आ रहा है, रिटर्न जब हमको मिल रहा है तो उसे कहते हैं कैश इनफ्लो। तो ये क्या कहते हैं, इस प्रोजेक्ट प्योरली एम्फसाइज ऑन द कैश इनफ्लोज, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द इन्वेस्टमेंट मेड इन द प्रोजेक्ट। इकोनॉमिक लाइफ क्या होता है, कितना दिन तक वो पैसा को हमको दे रहा है। सो विथ नो कंसीडरेशन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब किसी यहाँ पे जो पैसा मिल रहा है उसमें कोई टाइम वैल्यू नहीं कैलकुलेशन किया जाता। टाइम वैल्यू क्या होता है, आज का रेट में 20,000 रुपया और 5 साल के बाद 20,000 रुपया तो एक नहीं होता, तो यहाँ पे वो कैलकुलेशन नहीं किया जाता। तो आज का डेट में 1,00,000 रुपया का वैल्यू जो हो
5 साल के बाद भी 1 लाख रुपया का वैल्यू वही पकड़ के ये पे बैक पीरियड कैलकुलेशन किया जाता है। पे बैक पीरियड फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ पे बैक पीरियड इक्वल्स टू कैश आउटले इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। ये कैश आउटले इन्वेस्टमेंट और कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो, मतलब हमको जितना पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और साल में जितना कैश इनफ्लो हो रहा है दोनों में से डिवाइडेड करने से हमको पे बैक पीरियड मिलता है। तो वही होता है मेथड। थ्रू दिस मेथड सिलेक्शन ऑफ ए प्रपोजल इज बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। हम कितना साल में ये अर्निंग कर रहे हैं उसके ऊपर इस प्रोजेक्ट को एक प्रोजेक्ट को कैलकुलेशन किया जाए। तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके इसको हम दिखाएंगे। पकड़ लो एक प्रोजेक्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस पकड़ लो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए हैं, तो एक उसके बाद हम कैश इनफ्लो और एनुअल इनफ्लो, मतलब साल में कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, ये हो गया 20,000 रुपया। तो इस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कितना होगा? देन द पे बैक पीरियड इज कैश आउटले और इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट हम कितना इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 20,000। सो ये 5 साल में इसका पे बैक पीरियड हो रहा है। तो कितना साल में हमको ये एनुअल मेरा जो पैसा है वो मुझे मिल रहा है, ये 5 साल में मिल रहा है। तो इस तरह से पे बैक पीरियड को कैलकुलेशन किया जाता है। इसका पे बैक पीरियड का कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। तो अभी हम कुछ इसका एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या होता है इसका? द मेथड इज वेरी सिंपल एंड इजी टू अप्लाई। इस मेथड को ये बहुत इजी है इन किसी एंड बहुत सारा इजी आसानी से इसको अप्लाई किया जा सकता है। द सेकेंड इज द कॉस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इज वेरी लो इन दिस मेथड। तो मतलब इस कैलकुलेशन करने का जो ये कैलकुलेशन करने के लिए जो कॉस्ट होता है तो इस ये बहुत आसान है एवं इसका बहुत कम खर्चे में इसको कैलकुलेशन किया जा सकता है। थर्ड क्या होता है? द मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर दोस इंडस्ट्रीज व्हेयर टेक्नोलॉजी चेंजेस रैपिडली। मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या होता है? जो पहले जो लेबर में करते थे अभी कंप्यूटर में मशीन में कर रहे हैं, पहले जो मशीन में कर रहे थे अभी ऑटोमेटिक मशीन में कर रहे हैं, तो ये होता है टेक्नोलॉजिकल चेंज। तब तो सो द मेथड इज वेरी सुटेबल फॉर दोस इंडस्ट्रीज व्हेयर टेक्नोलॉजिकल चेंज रैपिडली सो एग्जिस्टिंग मशीनरी बिकम ऑब्सोलेट क्विकली। ओके, एंड द फोर्थ वन इज व्हेन इट इज डिफिकल्ट फॉर फर्म्स टू रेज फंड देन दे कैन इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट व्हिच विल गिव क्विक रिटर्न। मतलब बहुत आसानी से जो रिटर्न देगा, बहुत कम टाइम में जो रिटर्न देगा, उस टाइम इस पे बैक पीरियड मेथड से काम करना बहुत आसान होता है। एंड द फिफ्थ वन इज इट इज यूज्ड टू रैंक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो टेक ए क्विक डिसीजन अबाउट एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्या होता है ना, जब हम दोनों प्रोजेक्ट में से किस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, कॉम्पिटेटिवली किसको एक्सेप्ट करेंगे और किसको रिजेक्ट करेंगे, ये कैलकुलेशन करने के लिए पे बैक पीरियड बहुत आसानी से हो जाता है। तो ये होता है हमारा पांचों एडवांटेज ऑफ पे बैक मेथड। एंड व्हाट इज द लिमिटेशन और डिसएडवांटेज ऑफ द पे बैक मेथड ना? इट डज नॉट कंसीडर कैश इनफ्लोस आफ्टर द पे बैक पीरियड। मतलब हम बोल रहे 1 लाख रुपया 20,000 करके रिटर्न देगा तो 5 साल में आ जाएगा, लेकिन ये 5 साल के बाद भी तो रिटर्न दे सकते हैं, तो इस रिटर्न को ये कैलकुलेशन नहीं करता है। इट डज नॉट कंसीडर कैश इनफ्लोस आफ्टर द पे बैक पीरियड। द सेकेंड वन इज हियर कैश फ्लो इज नॉट डिस्काउंटेड और टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट कंसीडर। मतलब इस एक साल अभी 1 लाख का वैल्यू एंड 5 साल का बाद 1 लाख का वैल्यू, ये एक ही पकड़ता है। यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने का कैलकुलेशन होता है वो यह नहीं कैलकुलेट करते हैं। मतलब अभी का जो अभी का पैसा का वैल्यू एंड 5 साल का बाद 1 लाख रुपया का वैल्यू एक ही होता है, लेकिन एक्चुअली ये सही नहीं है। एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव और थर्ड लिमिटेशन क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज नॉट बीन गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। एंड द फोर्थ वन इज इट इग्नोर्स द फैक्ट दैट मोर हाईली प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट डू नॉट यील्ड मच रिटर्न इन अर्ली ईयर, दे स्टार्ट पेइंग ऑफ ए लेटर ईयर। तो क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है तो देन एंड देन, मतलब अभी 1 साल में 1 साल के बाद जो रिटर्न ज्यादा नहीं देता है,
इसको रिटर्न देने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन ये पे बैक पीरियड ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो इसलिए पे बैक पीरियड का कुछ लिमिटेशन है। तो इसके बदले में हम और भी कैलकुलेशन करेंगे जो होता है फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो इसके अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन करेंगे कैसे देखेंगे, एंड बहुत सारा जो रिटर्न कैलकुलेशन एनपीवी मेथड, प्रोफिटेबल इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सब बाद में हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगा एंड समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो जरूर मुझे कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, थैंक यू।